है कि iPhone 8 Plus, iPhone X, Samsung S8, Samsung S7 में वायरलेस चार्जिंग होती है बिना किसी वायर को कनेक्ट किए हुए। तो ये बात आपको हैरानी में जरूर डाल कि आखिरकार बिना कनेक्ट किए, बिना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जोड़े हुए किसी फोन में चार्जिंग कैसे हो सकती। हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो के सेक्शन में हम आपको एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो है वायरलेस चार्जिंग। आखिरकार वायरलेस चार्जिंग कैसे काम करती है। ज्यादातर वायरलेस चार्जर मैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू फोन चार्ज करते हैं, जिसके जरिए फोन को चार्जर पर रखते ही फोन चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिरकार ये काम कैसे करता है। फोन को चार्ज करने के लिए सबसे पहले आपको वायरलेस चार्जर पर रखना होगा। जैसे ही वायरलेस चार्जर इलेक्ट्रिक बोर्ड से कनेक्ट होगा, वैसे ही जो उसमें वायर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगी, और फोन को उस पर रखते ही जो फोन के अंदर में कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर देगी। इससे आपका फोन चार्ज होगा। वायरलेस चार्जिंग करने के लिए आपके स्मार्टफोन में उसका हार्डवेयर होना बहुत जरूरी है, तभी वायरलेस चार्जिंग होगी। और अगर ऐसा नहीं है तो आप उसमें कॉइल एड ऑन करवा सकते हैं, जिससे कि आपको वायरलेस चार्जिंग में मदद मिलेगी। इसके लिए आप सपोर्टिंग एडेप्टर भी खरीद सकते हैं, जिसके जरिए आप वायरलेस चार्जिंग कर सकते हैं। भारत में वायरलेस चार्जिंग की जो तकनीक है वो अभी नई है। इस तकनीक के जरिए आप इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं, लेकिन इसमें अभी भी बहुत सी कमियां बाकी। जब भी हम वायरलेस चार्जिंग के लिए चार्जर को कनेक्ट करते हैं, अगर वो हल्का सा भी हिल जाता है तो चार्जिंग नहीं होती है। इसमें बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होता है कि जो चार्जर है वो फोन के साथ बहुत अच्छे तरीके से अटैच हुआ हो सकता है आने वाले समय में इस पे काम किया जाए, इस तकनीक को और सुधारा जाए। आज के हमारे इस वीडियो में हमने टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बातें की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।